बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। वैसे तो विज्ञान की भाषा में उपग्रह है, सैटेलाइट है, लेकिन ज्योतिष में हम इसे एक संपूर्ण ग्रह मानते हैं और चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर देने वाला ग्रह है। ये हमारे मन को और हमारी सोच को सीधा प्रभावित करता है। चंद्रमा से किसी व्यक्ति को जीवन में शांति मिलती है, यश मिलता है और प्रतिष्ठा मिलती है। चंद्रमा अगर कमजोर है तो व्यक्ति के मन की स्थिति खराब हो जाती है और व्यक्ति जीवन में कदम कदम पर मानसिक परेशानियां झेलता है, उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में कभी भी चैन और शांति नहीं रह सकती। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो निश्चित रूप से जीवन में चैन और शांति के लिए आप परेशान होंगे। इसीलिए चंद्रमा जब कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाकी परेशानियां कितनी भी आए लेकिन व्यक्ति मेंटली मजबूत होता है और कठिन से कठिन स्थितियों में भी स्थिरता के साथ खड़ा रहता है। किसी भी ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करेंगे तब कोई ग्रह जाकर के जिंदगी में मजबूत होगा। अगर हम खान पान के द्वारा समझना चाहें कि फूड हैबिट्स के द्वारा, खाने पीने के द्वारा चंद्रमा को कैसे मजबूत करें, तो एक तो अपना खाना सात्विक रखें और सफेद चीजों का प्रयोग करें, जैसे दूध है, दही है, चावल है, थोड़ा सफेद चीजों का इस्तेमाल करने से चंद्रमा को फायदा होता है। रात के समय यानी जब चंद्रोदय हो जाता है, जब चंद्रमा निकल जाता है, तो रात के समय ज्यादा भारी भोजन ग्रहण ना करें। खाने में दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। और एक चांदी की कटोरी खरीद लें या चांदी का गिलास खरीद लें, चांदी का गिलास ले लें और चांदी के गिलास से ही दूध और जल आप ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। यानी खान पान में थोड़े से अगर आप बदलाव करेंगे तो चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। देखिए, खान पान के द्वारा चंद्रमा को मजबूत कैसे करें ये जान लिया। अपने बिहेवियर में यानी अपने व्यवहार में कैसे बदलाव करें कि चंद्रमा मजबूत हो। देखिए, स्त्रियों के साथ, चाहे वो घर की स्त्री हो या बाहर की हो, छोटे बच्चे चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों, स्त्रियों और छोटे बच्चों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। माता का मतलब ही चंद्रमा होता है, इसलिए माता का विशेष सम्मान करें। निर्धन महिलाओं की सहायता अवश्य करें, चाहे वो निर्धन महिला के लिए दवाइयों की बात हो, धन की बात हो, अन्न वस्त्र की बात हो, निर्धन महिलाओं की सहायता जरूर करें। अपने चेहरे में और स्वभाव में शालीनता रखें, थोड़ा सा गरिमा बनाए रखें। आपको लगे देख करके कि आप विनम्र हैं, आप शालीन हैं, ऐसे रहें आप। घर से निकलते समय मिश्री खा करके अगर आप निकलें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा और ऐसा अपने व्यवहार में अगर आप बदलाव करते हैं तो आपका कमजोर चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। व्यवहार और खान पान में बदलाव के अलावा छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखें तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। जैसे चांदी का प्रयोग जरूर करें, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें। शुक्ल पक्ष में, जिसको आप वैक्सिंग मून कहते हैं, उजला पक्ष कहते हैं, उसमें चंद्रमा को अर्घ दें, जल चढ़ाएं। एक सफ़ेद रंग का साफ रुमाल हमेशा अपने साथ में रखें। सफ़ेद खुशबू वाले फूलों के पौधे घर में लगाएं, जैसे हरसिंगार का पौधा, पारिजात का पौधा, रातरानी का पौधा, ये घर में लगाना अच्छा होगा। और चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे सटीक उपाय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा की जाए, इसलिए नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। इससे आपकी कुंडली का कमजोर चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा।